बताइए तो जरा, यहाँ पर सरकारी अस्पताल में आए थे बीवी का फ्री में इलाज कराने। मोदी जी बोले थे, योगी जी बोले थे, टीवी पे देखे थे हम, सरकारी अस्पताल आइए, फ्री में इलाज कराइए, फ्री में इलाज कराइए। यहाँ तो साला ससुरा पैसा मांग रहा है, फ्री में क्या पर्ची के भी 100 रुपए मांग रहा है। अरे इलाज तो ठीक है, दवाइयों के भी पैसे मांग रहा है। मोदी जी योगी जी बोले थे सरकारी अस्पताल में सरकारी दवा खाना में दवाइयां बिल्कुल मुफ्त मिलेगी, पर दवाइयों के भी पैसे मांग रहा है, साला 2000 रुपए मांग रहा है। अरे भैया इस तरह तो गरीब बिना इलाज कराए ही मर जाएगा। A few minutes later, अरे क्या करे, मोदी जी योगी जी के पास जाने में तो समय लग जाएगा। एक वकील साहब को फोन करते हैं, बहुत कहते हैं अपना वकील खुद बनिए, अपना वकील खुद बनिए, आज देखते हैं कितना वकील बनाते हैं हमें। जरा लीगल बाबा को फोन तो करें। हेलो हेलो जी, लीगल बाबा बोल रहे हैं, जरा एक समस्या आ गया है जी, हमें कानूनी जानकारी चाहिए। हाँ जी गट्टू जी, क्या समस्या है जी? समस्या ये है, हम सरकारी अस्पताल में आए थे अपनी बीबी का इलाज कराने, ये ससुरा पैसा मांग रहे हैं। हम तो सुने हैं सरकारी अस्पताल में बिल्कुल मुफ्त में इलाज होता है। नहीं, हम तो दे ही दिए पैसा, लेकिन हम किसी और का पैसा नहीं लगने देंगे, बेचारा गरीब आदमी ऐसे ही मर जाएगा। बस इतनी सी समस्या, आप क्या करिए, मोबाइल फोन तो है ही आपके पास जी, अपने मोबाइल फोन में इंटरनेट खोलिए, abdm.gov.in पे जाकर अपने आधार कार्ड की डिटेल सारी डाल दीजिए जी। उसके बाद अपना आयुष्मान भारत का कार्ड बनवा लीजिए। जब कार्ड आपके हाथ में आ जाए तो उसके बाद आप क्या करिए, हॉस्पिटल जाइए, सरकारी हॉस्पिटल जी, वहां पर आपकी बीवी का 15 दिनों के लिए सारा हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा मुफ्त होगा, जिसमें फ्री दवाइयां भी मिलेंगी। और अगर आपका हॉस्पिटल वाला, कोई भी सरकारी हॉस्पिटल वाला, आपका कार्ड देखने के बाद भी आपको मुफ्त में इलाज नहीं दे रहा, आपको मुफ्त में दवाइयां नहीं दे रहा, तो आपको क्या करना है जी, अपने जिले के, अपने डिस्ट्रिक्ट के डीएम के पास जाइए, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाइए, या फिर CMO यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर के पास जाइए, उनको एक कंप्लेंट दीजिए कि भैया ये भाई साहब मेरा मुफ्त में इलाज नहीं कर रहे जी। तो इस तरह से आप एक कंप्लेंट भी डाल सकते हैं जी, हम अभी कर रहे हैं कंप्लेंट। अगर अगर वो भी ना माने तो आप क्या कर सकते हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, एक रिट पिटीशन डाल सकते हैं कि भैया मेरे पास आयुष्मान भारत का कार्ड भी है, मैंने मुफ्त के इलाज के लिए अपनी अर्जी दी, उन्होंने मना कर दिए, वो मेरे से पैसे मांग रहे हैं। इस तरह से अगर आप हाई कोर्ट को कन्विंस करते हैं रिट पिटीशन के अंदर, तो आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब, जय सियाराम। जय सियाराम।